हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्लेयर ऑफ नंबर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुधींद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 10th आईसीएसई चैप्टर 9 मैट्रिसेस को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैट्रिसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सब बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, मैंने 10th आईसीएसई के चैप्टर वाइज फॉर्मूले विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी या उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 मैट्रिसेस। दोस्तों, मैट्रिसेस को समझने से पहले हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। अब मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम। पहले दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रो एंड कॉलम। मतलब अगर मैं कोई रो एंड कॉलम में मैं क्या करता हूँ, कोई नंबर्स को अरेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पे 2, 3, 4 लिख दिया। दोस्तों ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने नंबर्स को एक रेक्टेंगल में अरेंज किया है, तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गया। और मुझे पता है अगर मैं किसी भी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करता हूं तो क्या हो जाता है दोस्तों, मैट्रिक्स हो जाता है। एंड मुझे पता है द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिसेस। मतलब किसी भी रेक्टेंगल में अगर मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो ऑलवेज क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। दोस्तों ईच नंबर और एंटिटी इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट। मतलब सपोज दोस्तों यहाँ पे देखो, जो मैट्रिक्स मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे 2, 3 एंड 4 लिखा हूं, तो ये 2 क्या हो जाएगा, उसका एलिमेंट हो जाएगा। 3 क्या होगा, एलिमेंट होगा। 4 क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैट्रिक्स का, उसको हम लोग समझते हैं। इन अ मैट्रिक्स द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रोज वेयर एज द वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम्स। मतलब दोस्तों अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 2, 3, 4, यहाँ पे मैंने ले लिया 5, 6, 7, हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर कॉल्ड रोज। मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये जो 2, 3, 4 है, ये क्या हो जाएगा, 1 रो हो जाएगा। 5, 6, 7 जो हो जाएगा, 2nd रो हो जाएगा। वेयर एज द वर्टिकल लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम्स। मतलब ये जो 2, 5 है, ये 1st कॉलम हो गया। 3, 6 जो है, 2nd कॉलम हो गया। 4, 7 जो है, ये क्या हो जाएगा, 3rd कॉलम हो जाएगा। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं और उसको कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आप सबको बताता हूं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन इट। मतलब दोस्तों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे देखना है उसमें कितने रोज है एंड कितने कॉलम है, उसको इनटू करके रिप्रेजेंट करना है। मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कितने रोज है, 2, 3, 4 ये 1st रो था, 5, 6, 7 ये 2nd रो था। मतलब कितने रोज हो गए, 2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 लिखना है। इनटू कॉलम कितने है दोस्तों, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। मतलब ये जो 2 × 3 मिला है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका, ये वाले मैट्रिक्स का। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है। एग्जांपल क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, इट्स ऑर्डर इज रिटन एज m × n। मतलब जो m × n है, क्या है, ये ऑर्डर है किसका, ये वाले मैट्रिक्स का, जिसमें m रो रहेंगे एंड n क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं। फर्स्ट, रॉ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स। मतलब दोस्तों अगर कोई मैट्रिक्स दिया है जिसमें केवल ओनली 1 रो रहेगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, एग्जाम्पल में मैंने 1, b लिया है, कॉमा कभी नहीं आएगा इस किसी भी मैट्रिक्स में, कॉमा नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है कॉमा किसी भी मैट्रिक्स में नहीं अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ए लिया एंड बी लिया है, इट्स ऑर्डर क्या हो रहा है, ऑर्डर इसका 1 रो × 2 कॉलम हो रहा है दोस्तों, बिकॉज रो एक ही है, कॉलम क्या हो रहा है, 2 हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 2। ऐसा भी मैं समझ सकता हूं, अगर सपोज किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 × 2 दिया है, 1 × 3 दिया है, 1 × 4 दिया है, मतलब 1 क्या है, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। दोस्तों ए बी सी ये सब किसके एग्जाम्पल है, रो मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 3, 2, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, 1 क्या है, रो है, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। दोस्तों सेकेंड वन, कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली दोस्तों, जैसे हमने रो में समझा था, अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो रहेंगे तो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। सिमिलरली अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने ए एंड बी लिया है, इट्स ऑर्डर क्या हो रहा है, देखो दोस्तों 2 रो × 1 कॉलम। ऑलवेज देखो दोस्तों, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n दिया है तो m क्या रिप्रेजेंट करेगा, m इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग रो एंड n इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग कॉलम। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों,
जो पहले रहेगा वो रो रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में रहेगा वो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। तो ए एंड बी दिया है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 1 होगा। तो यहां पे देखो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया दोस्तों। सिमिलरली यहां पे देखो दोस्तों, मैंने ए बी सी लिया है, इसका ऑर्डर क्या होगा, कितने रो फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3, 3 रो हो रहे हैं, कॉलम कितना फॉर्म हो रहा है, एक ही कॉलम फॉर्म हो रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, 3 into 1। तो ए बी क्या होगा दोस्तों, कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज एंड इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब सपोज अगर दोस्तों कोई भी मैट्रिक्स दिया है जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो ऐसी टाइप वाली मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है दोस्तों। मतलब मैं बोल सकता हूं अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा दोस्तों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है ए बी सी डी, तो यहां पे देखो दोस्तों 2 रोज मिल रहे हैं यहां पे एंड 2 कॉलम भी मिल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो रहा है, 2 into 2 हो रहा है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा दोस्तों। सिमिलरली अगर कोई भी मैट्रिक्स मिल रहा है दोस्तों जिसका ऑर्डर क्या है, 3 into 3 है, ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 into 4 है, ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम इंटू एम है, ए बी क्या है दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है दोस्तों। नेक्स्ट नल मैट्रिक्स, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो इट इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। मतलब दोस्तों अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा जहां पे ईच एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नल मैट्रिक्स हो जाएगा, या मैं उसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया 0 0 0 0, ये क्या होगा दोस्तों, देखो यहां पे सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नल मैट्रिक्स और है जीरो मैट्रिक्स दोस्तों। यहां पे देखो दोस्तों मैंने एग्जांपल भी लिया है 0 0, यहां पे देखो दोस्तों मैंने कॉमा लगाया, कॉमा किसी भी मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं करना है, 0 0 0 0 एसेट्रा, इट इज द एग्जांपल ऑफ अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल एलिमेंट जीरो ईच एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग डायगोनल्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब दोस्तों अगर कोई भी सपोज यहां पे एक मैट्रिक्स मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया ए 0 0 B, तो यहां पे देखो दोस्तों ऑलवेज देखो ये भी डायगोनल होगा, ये भी डायगोनल होगा, बट मुझे यही वाले डायगोनल को ऑलवेज पकड़ के रखना है, मुझे देखना है ये वाले डायगोनल को, ये वाले डायगोनल को कभी नहीं टच करना है दोस्तों, ये वाले डायगोनल को छोड़ देना है। अगर फर्स्ट जो डायगोनल फॉर्म होगा दोस्तों उसमें देखना है कि ईच एलिमेंट क्या है, देखना है दोस्तों डायगोनल में जो सारे एलिमेंट है वो अदर देन जीरो है क्या, अगर अदर देन जीरो है और बाकी सारे जो एलिमेंट्स उसमें जीरो है तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे मैंने यहां पे देखो दोस्तों एग्जांपल लिया है 5 0 0 0 -2 0 0 0 3, तो यहां पे देखो एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है और बाकी जो अदर्स एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों। मतलब जिसमें एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा दोस्तों। एंड डायगोनल्स कौन से लेने हैं दोस्तों, ये वाला डायगोनल नहीं लेना है, ऑलवेज हमको यही वाला डायगोनल लेना है। एक बात और ध्यान देनी है दोस्तों, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। लास्ट वन दोस्तों, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल्स इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब दोस्तों जैसे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स समझा था, यहां पे देखो सपोज मैंने एक अगर डायगोनल मैट्रिक्स यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज मैंने यहां पे लिख दिया 2 0 0 0 3 0 0 0 4, तो ये क्या है दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज यहां पे डायगोनल फॉर्म हो रहा है और बाकी अदर्स एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। तो जो डायगोनल्स के एलिमेंट है, देखो दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, 2 3 एंड 4 लिखा है, तो क्या करना है, 2 के प्लेस में सपोज अगर मैंने 1 लिख दिया, 3 के प्लेस में 1 लिख दिया, 4 के प्लेस में भी अगर मैंने 1 लिख दिया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा दोस्तों। मतलब जो डायगोनल्स एलिमेंट रहते हैं अगर वो क्या है दोस्तों, सब सारे एलिमेंट्स 1 है, तो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझते हैं वो क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए टी और ए डैश और ए सी, इससे भी हम लोग दोस्तों ए ट्रांसपोज डिनोट करते हैं। अब थोड़े डिटेल में मैं आप सबको बताता हूं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है दोस्तों। सपोज मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिखा दोस्तों, सपोज ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया दोस्तों 2 3 4 5। अब सपोज इसका ट्रांसपोज लिखना है दोस्तों, तो क्या करना है, देखो इसमें रोज कितने हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों। तो क्या करना है, जो रोज के एलिमेंट है वो कॉलम्स में आ जाएंगे एंड जो कॉलम्स के एलिमेंट है वो रोज में चले जाएंगे, यही होता है ट्रांसपोज दोस्तों। तो यहां पे देखो रोज में क्या है, 2 एंड 3 है, तो 2 एंड 3 को कॉलम में रिप्रेजेंट कर दो। अब जो दूसरा वाला रोज है उसको दूसरे वाले कॉलम में रिप्रेजेंट करो, क्या हो जाएगा, 4
एंड 5, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये 8 ट्रांसपोज हो जाएगा 2, 3, 4, 5, यही होता है ट्रांसपोज एलिमेंट दोस्तों। मतलब क्या होता है, जो रोज के एलिमेंट है उसको कॉलम में लिख दो और जो कॉलम के एलिमेंट है उसको रोज में लिख दो, इससे क्या मिलेगा मुझे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा दोस्तों। यहां पे देखो दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, इफ ए इज इक्वल टू 203417, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, देखो रोज में क्या है, 231 है फर्स्ट रोज, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 231 एंड सेकंड रोज में क्या एलिमेंट है दोस्तों, 047, तो वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा 047। देखो दोस्तों मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, कितने रोज है इसमें, 2 रोज है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉलम कितने है, 1, 2, 3, 2 × 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। एंड अगर मैं ट्रांसपोज में जाऊंगा तो देखो अभी रोज कितने फॉर्म हो गए, 1, 2, 3, 3 रोज, कॉलम कितने हो रहे हैं, 1, 2। ऑलवेज याद रखना दोस्तों, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n इंटू m हो जाएगा, मतलब जो रोज है वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रोज हो जाएगा दोस्तों। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, टू एड टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर मीन्स टू एड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड टूगेदर इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब दोस्तों अगर दो मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि वो दो मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, एड करना है, तो फर्स्ट कंडीशन मैं क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो दो मैट्रिक्स दिया है वो सेम ऑर्डर का है कि नहीं। अगर वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें एडिशन अप्लाई कर सकता हूँ दोस्तों। अगर कोई ऐसा दो मैट्रिक्स दिया है जिसके ऑर्डर सेम नहीं है और बोला है एड करने के लिए, तो उसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, मतलब दो रोज है यहाँ पे और दो कॉलम है, और जो मैट्रिक्स बी है इसमें भी दो रोज है एंड दो क्या है, कॉलम है दोस्तों। तो मुझे क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, सेम है, तब इसमें एडिशन पॉसिबल होगा। अब एडिशन कैसे करना है दोस्तों, एड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस। अब क्या करूंगा मैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एड कर दूंगा, देयर फोर ए प्लस बी इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स 1 + 3 एंड 3 + 4, 2 + 5, 4 + 6। अब इसको एड कर दो दोस्तों, सो देयर फोर इट इज बिकम दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 + 1, 4, 4 + 3, 7, 5 + 2, 7, 6 + 4, 10। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या देखना है दोस्तों, मुझे देखना है कि जो दो मैट्रिक्स दी है उसके ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है, एड कर देना है दोस्तों। ये 2 × 2 में भी वैलिड होगा, 3 × 3 में भी वैलिड होगा, m × m में भी वैलिड होगा। अगर ऑर्डर क्या है, सेम है, तो एडिशन क्या है, पॉसिबल है दोस्तों। और एडिशन कैसे करना है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है, एड कर देना है दोस्तों। अभी तक दोस्तों हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझा था, अब हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस समझेंगे। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, द सेम रूल एंड मेथड इज यूज्ड फॉर द सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस एज इज यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कैन बी सबट्रैक्टेड टूगेदर इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जो रूल हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में अप्लाई किया था दोस्तों, सेम रूल सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी अप्लाई होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर दो मैट्रिसेस दिया है और उसके ऑर्डर क्या है, सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है दोस्तों। एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के है तो सबट्रैक्शन पॉसिबल है। अब सबट्रैक्शन पॉसिबल होगा तो क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना है दोस्तों। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे a माइनस बी फाइंड करूंगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा a माइनस बी मतलब 1 − 3। 1 − 3 मतलब क्या आएगा दोस्तों, −2। 2 − 4 मतलब क्या आएगा दोस्तों, अगेन −2। 3 − 5 अगेन क्या आएगा दोस्तों, −2 आएगा। 4 − 6 क्या आएगा दोस्तों, −2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी हो जाएगा। सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस मींस दैट a माइनस बी क्या होगा दोस्तों, −2, −2, −2 एंड −2। याद रखना दोस्तों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में जो रूल अप्लाई होता है वही रूल सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी अप्लाई होगा। बस क्या कर देना है, प्लस की साइन के जगह पे माइनस की साइन अप्लाई कर देनी, बाकी सारे मेथड सेम रहेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाइड टूगेदर टू गेट द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन
बी मतलब दोस्तों अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दिया है और उसके प्रोडक्ट मुझे फाइंड करने हैं तो पहले मुझे उसके ऑर्डर के ऊपर फोकस करना है एंड ऑर्डर में मुझे क्या देखना है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल रहेगा दोस्तों, तभी क्या होगा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स लिया है, देखो दोस्तों यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले लिया है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा दोस्तों। और अगर मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर देखो अभी बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 बचा है, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 2x2 आएगा दोस्तों। दोस्तों मल्टीप्लीकेशन फाइंड करने के लिए ऑर्डर कैसे लेना है उसको मैं एक और एग्जांपल के साथ आप लोग को बताता हूं। अगर सपोज यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए इज इक्वल टू 3x1, तो इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, यहां पे देखो 2 रोज है एंड 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2x1 होगा। और यहां पे सपोज मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया बी दैट इज इक्वल टू 1x3, मतलब देखो दोस्तों यहां पे इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज कितने है 1 है बट कॉलम क्या है 2 है, तो इसका क्या होगा ऑर्डर 1x2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या देखना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगा उसका कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो ये इक्वल है दोस्तों, तो इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ए इंटू बी जब मैं फाइंड करूंगा दोस्तों तो ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, बचा क्या है यहाँ पे देखो 2 रोज यहाँ पे फर्स्ट वाले में बचा है और यहाँ पे भी 2 कॉलम बचा हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा 2x2 आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर समझ में आए होंगे। अभी दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कौन सा मैट्रिक्स रहेगा जिसमें मैं प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू 3x1, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया दोस्तों ए इज इक्वल टू 3x1, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर है 2x1, 2 रोज 1 कॉलम। एंड सपोज यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया दोस्तों 1, 2, 3, 4, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2x1 है एंड बी का ऑर्डर क्या है 2x2 है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस दोस्तों मैंने आप सबको बताया था कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है दोस्तों, तो इस टाइप के मैट्रिक्स के प्रोडक्ट हम लोग नहीं फाइंड कर सकते दोस्तों, इस टाइप के मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अब दोस्तों मल्टीप्लीकेशन कैसे फाइंड करना है वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, दोस्तों जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है एंड मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी अज्यूम किया है 3, 4, 5, 6, इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2 है दोस्तों। पहले तो दोस्तों मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन क्या होता है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कॉलम क्या है 2 है और जो सेकंड मैट्रिक्स इसका रो क्या है 2 है, दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में। और जो रिजल्ट आएगा मतलब जो ए इंटू बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, मैंने पहले भी बताया अगर जो मैट्रिक्स दिया है फर्स्ट का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है तो बच यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो जो ए इंटू बी होगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2x2 होगा दोस्तों। सपोज अगर यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे क्या होता 3 होता तो ए इंटू बी का ऑर्डर भी 1x3 हो जाता दोस्तों। अब मैं आप सबको बताता हूँ मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप दोस्तों फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम कैसे करना है दोस्तों, 1x3 प्लस 2x5 और जो प्रोडक्ट आएगा दोस्तों उसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिखना है। सेकेंड स्टेप सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करूंगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 3x3 प्लस 4x5 और जो वैल्यू आएगा दोस्तों इसको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप अभी देखो दोस्तों मैंने ये कॉलम का यूज कर लिया है, ये कॉलम का यूज अभी तक मैंने नहीं किया था, हम लोग ये कॉलम का यूज करेंगे। क्या करना है थर्ड स्टेप में फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 1x4 प्लस 2x6 और ये जो वैल्यू आएगा दोस्तों उसको कहां पे लिखना है, उसको लिखना है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के प्लेस पे। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा दोस्तों 3x4 प्लस 4x6 और जो वैल्यू आएगा दोस्तों उसको लिखना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के प्लेस पे।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 3 × 1 3 प्लस 2 × 5 10 एंड 3 × 3 9 प्लस 4 × 5 20 एंड 1 × 4 4 प्लस 6 × 2 12 4 × 3 12 प्लस 6 × 4 24। इसका भी ऑर्डर क्या है दोस्तों? इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं ये मैट्रिक्स सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 10 + 3 13 20 + 9 29 12 + 4 16 एंड 24 + 12 36। ये मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, दैट इज इक्वल टू 13 16 29 एंड 36। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों मैंने 10th आईसीएसई चैप्टर वाइज फॉर्मूले विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की वीडियो बना रखी है। वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन या उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।